डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग के.सी. सिन्हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में प्रत्येक का विभेद कर ज्ञात करें या विवेचक ज्ञात करें, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें, डी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, आपको पता होगा कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो एक द्विघात समीकरण होता है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की जगह से एक क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। दिया गया द्विघात समीकरण मैंने लिख दिया, कितना दिया गया है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। आप बताइए एक बराबर कितना है, एक, बी का मान कितना है चार, सी का मान कितना है तीन, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। मैंने डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू पुट किया चार, सी फोर ए सी फोर गुने एक गुने तीन, कितना आ गया कैलकुलेशन करने के बाद डी का मान क्या आ गया चार। इस प्रकार से आप एक नंबर क्वेश्चंस बना लीजिएगा सभी क्वेश्चंस। बाकी आप देखिए, दो नंबर में कह रहा है कि जांच करें निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। तो वास्तविक होने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि वास्तविक होने के लिए हमें क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर डी का मान ग्रेटर देन जीरो आ जाए या डी का मान जीरो आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, डी का मान जीरो आ जाए या प्लस में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक होता है। लेकिन अगर डी का मान माइनस में आ जाए यानी कि जीरो से छोटा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, दिया गया द्विघात समीकरण, आप इस प्रकार से लिख के बनाइएगा। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स माइनस सोलह बराबर जीरो, ए का मान कितना है एक, बी का मान कितना है माइनस बारह, सी का मान कितना है माइनस सोलह, डी का मान मुझे निकालना है, मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया 208। तो आप बताइए डी का जो मान है, डी का मान जीरो से बड़ा है, जीरो या जीरो से बड़ा आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण वास्तविक होगा अन्यथा काल्पनिक होगा। तो हम लिख दिया डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए दिया गया द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। आपका दो नंबर इसी प्रकार टोटल क्वेश्चंस बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति मूल कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम वही मूल आ जाए, जैसे अल्फा का मान भी अगर पांच आ जाए तो बीटा का भी मान पांच आ जाए। तो आप दिखा दीजिएगा कि डी का मान जीरो, जब डी का मान जीरो होता है तो दोनों मूल क्या होता है, सामान्य होता है। तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा, अगर डी का मान जीरो हो जाता है तो आप क्या कहिएगा कि पुनरावृत्ति मूल है अन्यथा नहीं। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित समीकरण के मूलों की समीक्षा करें। वही काम कीजिए, आप डी का मान ज्ञात कर लीजिए, अगर डी का मान ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, वास्तविक और असमान है। अगर डी का मान जीरो आ जाएगा तो बोलिएगा वास्तविक और समान है, डी का मान लेस देन जीरो आ जाएगा नहीं जीरो से छोटा माइनस में आ जाएगा तो बोलिएगा काल्पनिक है। पांच नंबर में भी वही क्वेश्चन है, मूल वास्तविक है या नहीं, तो सेम वही काम कीजिए। छह नंबर में भी वही क्वेश्चन है, तो आप एक से छह तक के आप क्वेश्चन बना लीजिएगा इस प्रकार से लिख करके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब, आप देखिए सात का फर्स्ट नंबर, सात में आपको कह रहा है, सात नंबर में क्वेश्चन से दिया गया है कि के का मान ज्ञात करें, किसका मान निकालें, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 के प्लस 4 बराबर जीरो के मूल्य समान है। ध्यान दीजिएगा, मूल्य समान है। मूल्य समान कहने का मतलब हो गया डी का मान जीरो, डी का मान जीरो अर्थात बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया, दिया गया द्विघात समीकरण कितना दिया गया है, फोर एक्स स्क्वायर टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस के प्लस फोर बराबर जीरो। तो आप बताइए ए का मान कितना हो गया फोर, बी का मान कितना हो गया माइनस टू इंटू के प्लस वन, और सी का मान कितना हो गया के प्लस फोर। हमें प्रश्न से दिया गया है, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, चूंकि दिए गए समीकरण का मूल क्या है, समान है। तो आप बताइए जब मूल समान है तो डी का मान कितना होगा जीरो, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। मैंने बराबर के उस साइड भेज दिया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, बी का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया
माइनस टू के प्लस वन और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर फोर ए सी फोर। तो फॉर्मूला वाला ए का मान चार और सी का मान यहां से पुट कर दिया। चलिए ये तो दोनों का स्क्वायर होगा, ये तो दो दो का भी स्क्वायर होगा इसका भी, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया कितना हो गया चार ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको मैंने उसी तरह रहने दिया। अब बताइए चार से चार तो सबसे पहले कट जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे है कितना के प्लस फोर, मैंने चार से गुना किया तो चार के और माइनस चार चौके सोलह सभी को मैंने क्या किया आर एच एस में ले आया। तो यहाँ पे के स्क्वायर पहले से था प्लस टू के पहले से था, मैंने उधर से लाया फोर के प्लस वन पहले से था सोलह माइनस में आ गया, हो गया के स्क्वायर माइनस टू के माइनस पंद्रह। हमें देखिए गुना करके लाना है पंद्रह और जोड़ करके घटा करके कितना लाना है माइनस टू के। तो मैंने क्या किया पाँच तीय पंद्रह, पाँच तीय पंद्रह हो गया और घटा करके कितना है माइनस दो के। तो अब बताए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो के कॉमन लिया था के माइनस फाइव बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है थ्री कॉमन है तो क्या बचा के माइनस फाइव। अब बताइए दोनों में के माइनस फाइव कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच गया के प्लस थ्री, के प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। जब मैंने लिखा के माइनस फाइव बराबर जीरो तो के का मान कितना आ गया पांच, और जब मैंने लिखा के प्लस थ्री बराबर जीरो तो के का मान आ गया थ्री। तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः के बराबर पांच कॉमा माइनस तीन के लिए, तीन के लिए दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा समान होगा। चलिए मैं इसका दूसरा देखता हूं, चलिए मैं इसका दूसरा क्वेश्चन से देखता हूं। चलिए जनाब देखिए सात के दो नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आप ऐसे बना लेते हैं लेकिन फिर भी मैं बना दिया हूं, कुछ बच्चे पूछे थे। चलिए ध्यान दीजिए है के का किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल्य समान है। यहाँ पे भी जो आपका क्वेश्चन दे रहा है उसमें भी क्या कह रहा है मूल्य समान है। तो आपको पता है कि जब मूल्य समान कब होता है जब डी का मान जीरो होता है। पहले मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ए का मान यहाँ से मैंने लिख दिया, बी का मान लिख दिया, सी का मान लिख दिया। प्रश्न से अब क्या दिया गया है मूल्य समान है, तो मूल्य समान होता है इसलिए कितना होता है डी का मान जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बी का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया, बी का वैल्यू पुट कर दिया फोर ए सी वैल्यू पुट के दिया। चलिए दो का स्क्वायर हो गया चार, के माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू के प्लस वन इंटू एक नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए चार से चार तो एक कट गया, के माइनस वन का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक से गुना हो गया तो के प्लस वन, एक से एक भी कट गया आपका। चलिए मैंने के को साइड कर देता हूं तो के स्क्वायर माइनस टू के पहले से था एक के और आ गया, तो के स्क्वायर माइनस थ्री के इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन है के, तो मैंने क्या लिखा के माइनस थ्री जब के बराबर जीरो और पुनः जब के माइनस थ्री बराबर जीरो तो के का मान जीरो। हम लिख सकते हैं अतः के बराबर जीरो और तीन के लिए दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा समान होगा। कितने के लिए के बराबर जीरो के लिए द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा समान होगा। आप इसी प्रकार से आठ नंबर बनाइए बन जाएगा है ना, आठ नंबर भी बन जाएगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। मैं नौ नंबर बता देता हूँ थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ में दिया गया है आपका यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो के मूल्य समान। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी मूल आपका क्या दिया गया है समान दिया है, तो सिद्ध करें टू ए बराबर बी प्लस सी, हमें क्या लाना है टू ए बराबर बी प्लस सी। मैंने समीकरण लिख दिया, पहले मैंने समीकरण लिख दिया ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए इसमें ए बी सी ना लिख करके हमने क्या लिखा ए डैश बी डैश सी डैश, क्योंकि ए बी सी में ही दिया गया इसलिए मैंने डैश मान लिया है ना। तो ए डैश का मान कितना हो गया ए बी सी आप समझिएगा है ना, ए माइनस बी बी डैश का मान हो गया बी माइनस सी और सी डैश का मान हो गया सी माइनस ए। हमें क्या दिया गया इसका मूल्य क्या है समान है। जब मूल्य समान होता है तो आपको पता है कि डी का मान जीरो होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो ध्यान दीजिएगा बी डैश सी डैश मैंने लिखा है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, मैंने बी इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया बी से, यहाँ बी डैश का वैल्यू कितना बी माइनस सी का होल स्क्वायर
फोर फोर फॉर्मूला वाला, ए का मान कितना, ए का मान यानी ए डैश का मान कितना ए माइनस बी, और सी डैश का मान कितना सी माइनस ए। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं इसी साइड रहने दिया, मैं इसको क्या लिखा इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, चलिए इस पेन से मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है फोर ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इसको मैं मानता हूँ ए और इसको मैं मानता हूँ बी, तो आप बताइए, मैं यहाँ से फोर ए बी आपको दिया गया तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने ए माना था, कितना माना था ए, तो इसको मैंने क्या लिखा ए बीच में है प्लस इसको मैंने क्या माना है बी। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए, इसको तो मैं जैसे था वैसे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों कटेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको अंदर में सबसे पहले क्या प्लस से गुना किया था ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस से गुना किया था ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी सॉरी ए और ए कट गया, ए और ए कट गया, ये तो जैसे था वैसे यहाँ पे कितना हो गया माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला ये ठीक है, ए ए कितना ए हो गया टू ए हो गया, ए कितना ए हो गया टू ए हो गया, और माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों भी कटेगा, क्यों कटेगा, आप बी माइनस सी का होल स्क्वायर करें या माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें, बात एक ही होगा। जैसे आप देख लीजिए, माइनस दू माइनस थ्री का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस एक का स्क्वायर कितना आएगा एक। उसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिख दीजिए माइनस दो प्लस थ्री का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो एक का स्क्वायर कितना आएगा एक आएगा, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप तोड़ करके भी देख सकते हैं, तो हमें क्या बचा माइनस में इधर घेर करके माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब ध्यान दीजिए, मैंने माइनस को इधर भेज दिया गुना में, खत्म हो गया, बचा ये। अब क्या दिया, अब बता इधर क्या दिया गया आपका स्क्वायर दिया, तो इधर जब आएगा तो क्या निकलेगा स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या निकलेगा स्क्वायर रूट, इधर है वर्ग, इधर क्या निकलेगा वर्गमूल, तो 2a माइनस b माइनस c का वर्गमूल कितना आ गया जीरो। मैंने क्या किया, इन दोनों को जो माइनस में था उसको मैंने क्या ले आया LHS में ले आया, ये हो गया प्लस में, ये हो गया प्लस में, क्या चीज आपका आ गया 2a, क्या आ गया b प्लस c बराबर 2a, मुझे यही लाना था ना b प्लस c बराबर 2a। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना सिर्फ थोड़ा सा पड़ता है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। यदि माइनस पांच, क्या दिया है माइनस पांच द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है। आप ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे 7.2 और 7.1 में आप क्वेश्चन बनाए होंगे कि एक मूल दिया होता है तो आप पी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, उसके LHS में रख देते हैं, RHS में रख देते हैं, पी का मान निकल जाता है ना। और द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर, यहाँ से पी का मान, जब इसका मान पांच है तो यहाँ का मान पांच पुट कर देंगे, पी का मान निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, फिर मूल्य समान है, डी बराबर जीरो करके के का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या दिया है, मूल्य समान है और द्विघात समीकरण इतना के मूल्य क्या है समान, इसका एक मूल्य दिया गया, कितना इसका एक मूल्य कितना दिया है पांच दिया है, और इसका मूल्य क्या है समान है, के का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मैंने क्या किया, द्विघात समीकरण, मैंने समीकरण लिख दिया, मैंने क्या किया समीकरण को यहाँ पे लिख दिया। समीकरण को लिखने के बाद अब कह रहा है कि चूंकि प्रश्न से हम कह सकते हैं, प्रश्न से चूंकि माइनस पांच क्या है, माइनस पांच क्या इसका एक मूल्य है, तो माइनस पांच यानी कि एक्स का मान कितना माइनस पांच है, तो एक्स के स्थान पे मैंने माइनस पांच क्या किया है पुट कर दिया, एक्स के स्थान पे मैंने माइनस पांच पुट कर दिया, पच पचे पच्चीस, पच्चीस हाँ पच दुनी माइनस टेन पी माइनस पंद्रह, तो कितना हो गया पच्चीस दुना पचास, पचास में से कितना जाएगा पंद्रह जाएगा, मैं इसको आर जैसे भेज दिया कितना तो 10p, तो 35 बराबर 10p, 35 बटा 10, 7 पचे 35, 5 दुनी 10, p का मान कितना आ गया 7 बटा 2 आ गया, p का मान कितना आ गया 7 बटा 2। अब बताइए हमें जो समीकरण दिया गया, कितना समीकरण दिया गया p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो, p का मान मैंने कितना पुट किया 7 बटा 2, 7 बटा 2 7, इसके बटाम देखिए इसके बटाम में 2 है, इसके बटाम नहीं, इसके बटाम पूछे तो कितना है 1 है, तो LCM लेंगे तो कितना ये 2 चला जाएगा इस साइड, मैंने 7 से गुना कर दिया तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2k, और जो बटाम में 2 था उसको मैंने कहाँ भेज दिया जीरो में भेज दिया कैलकुलेशन करके। पुनः प्रश्न से हमें क्या कह रहा है कि इसका मूल्य क्या है सामान्य है, मतलब इसका मूल्य क्या है सामान्य है, तो जब मूल्य समान है तो डी बराबर क्या होगा जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान कितना होगा जीरो होगा, तो बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी, बी का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया, बी का मान कितना 7, 4, ए का मान कितना 7, सी का मान कितना
टू के, सात सत्ते उनचास, चार गुने सात गुने टू के, सात से कट गया सात सत्ते उनचास, यहाँ कितना चार दुनी आठ, बटा में आ गया के का मान कितना आ गया सात बटे आठ आ गया। चलिए 11 नंबर में क्वेश्चन देखता हूँ, 11 में एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 12 खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। चलिए जनाब 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि के का मान बतावे, के का मान बतावे, के का मान बतावे जिसके लिए दत्त मतलब दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक होगा। तो ध्यान दीजिए, मूल वास्तविक कहने का मतलब हुआ अगर मूल सामान्य बोलता तो डी बराबर जीरो, लेकिन जब मूल वास्तविक बोल दिया है तो डी इज इक्वल टू जीरो और d इज ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों मिलाकर क्या होगा d का मान जीरो भी होगा और जीरो से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमें सबसे पहले मैं देख लेता हूं 11 का दो देखते हैं। दिया गया द्विघात समीकरण आपको दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ए का मान कितना दिया गया है k, b का मान कितना माइनस छ, c का मान कितना माइनस टू। हमें कह रहा है डी का मान क्या है वास्तविक है, विवेचक क्या आपका दिया गया है मूल्य वास्तविक दिया था, मूल्य वास्तविक दिया इसका मतलब क्या होगा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी का वैल्यू मैंने पुट किया, फोर ए सी का वैल्यू पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो छो छ के छत्तीस माइनस माइनस प्लस चौदूनी आठ के, मैंने छत्तीस को उस साइड भेज दिया तो ये क्या चीज में हो गया माइनस में बटा में क्या गया आठ, तो इसको कह सकते हैं कितना नौ चौके छत्तीस और चार दुने आठ, तो के का मान कितना आ गया माइनस नौ बटा दो। तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू के लिए दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा वास्तविक होगा। एक बाकी आप क्वेश्चन बन जाएगा, एक मैं देखता हूँ 11 का पांच नंबर देखते हैं आपका समीकरण क्या दिया गया है के सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू फोर एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं के से गुना करूंगा तब ने ए बी सी लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। तो मैंने गुना कर दिया चार से, तो फोर के एक्स चार से गुना किया, के से गुना किया तो के स्क्वायर, और के से गुना किया यहाँ देखिए गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ मैंने गलत किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे के आपका हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जनाब, थोड़ा सा मैंने गलती किया था यहाँ पे। समीकरण आपका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू फोर एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मैंने एक्स के से गुना किया तो हो गया फोर के एक्स, के से के गुना होगा तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर, के से वन में गुना होगा तो माइनस के प्लस टू। अब बताइए ए का मान कितना है एक, बी का मान कितना दिया है फोर के, और सी का मान पूरा हो गया ना जो बच गया वो हो गया कितना पूरा सी हो गया। हमें प्रश्न से क्या दिया है कि इसका मूल क्या दिया गया है वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक है, तो मैंने क्या कर दिया डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, फोर का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू पुट कर दिया, सी का वैल्यू पुट कर दिया। चलिए तो हो गया चार चौके सोलह के स्क्वायर माइनस चार से गुना कर दिए तो माइनस में फोर के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर के और प्लस माइनस माइनस आठ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन दोनों को घटाया था कितना बचा बारह के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस आठ, पूरा में से मैंने कॉमन कितना लिया चार कॉमन लिया था, यहाँ पर कितना बच गया थ्री के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ये बच गया थ्री के स्क्वायर, फिर इसको मैंने जीरो के साइड भेज दिया चार से जीरो में, ए जीरो हो गया थ्री के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप इसको फैक्टर तोड़ दीजिए, तो हमें क्या करना है गुना करके कितना लाया तीन दुना छः लाना है और घटा करके के लाना है, तो तीन दुना छः घटाएं तो कितना आया के आया एक आया, कोई दिक्कत इन दोनों में कॉमन आप ले लीजिए तो कितना इन दोनों में कॉमन होगा थ्री के कॉमन है क्या बचा के प्लस वन, इन दोनों में कॉमन कितना माइनस टू क्या बचा के प्लस वन, और इसमें पूरे में क्या कॉमन है के प्लस वन, मैंने के प्लस वन ले लिया, यहाँ बच गया थ्री के यहाँ बच गया माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बार मैं लिखूंगा जब जब k प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो k का मान कितना हो गया k इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक बार मैं लिखूंगा थ्री के माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो क्या थ्री के ग्रेटर देन इक्वल टू उस साइड चला गया था प्लस में टू k इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री। अब बताए यहाँ k का दो मान रहा है माइनस वन के बराबर या दो बटा तीन के बराबर या माइनस वन से छोटा या माइनस टू बाई थ्री से बढ़ता, हम लिख सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या होगा, यानी कोई भी वास्तविक संख्या के लिए आपका दिया गया समीकरण का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 12 नंबर, मैं उसको देख लेता हूँ।
चलिए जनाब हम देखते हैं 4.3 का लास्ट क्वेश्चंस 12 नंबर हमें दिया गया क्वेश्चन है सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर जीरो के मूल्य वास्तविक नहीं है। आप ध्यान दीजिए यहाँ कह रहे हैं मूल्य वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक होने पर क्या होता है डी इज लेस देन जीरो, तो मैं डी इज लेस देन जीरो यह हम कह सकते हैं डी इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, यह कह सकते हैं डी इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो मैं लेकर के चलता हूँ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो से लेकर के चलता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए सबसे पहले मुझे समीकरण दिया गया है, जो समीकरण दिया मैंने लिख लिया समीकरण को एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू एक्स इंटू ए सी प्लस बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मुझे ये समीकरण दिया था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने ए बी सी ना मान करके मैंने क्या माना है ए डैस बी डैस सी डैस माना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा तो ए डैस का मान क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डैस का मान क्या दिया है टू इंटू ए सी प्लस बी डी आप ध्यान दीजिए, और सी डैस का मान क्या दिया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने यहाँ पर प्रश्न से क्या कहा है कि मूल्य वास्तविक नहीं है, मूल्य वास्तविक नहीं है तो मैंने क्या मान लिया डी इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि वास्तविक नहीं है, वो तो वास्तविक संख्या नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर इस यानी कि बी डैस स्क्वायर माइनस फोर ए डैस सी डैस नॉट इक्वल टू जीरो, तो इतना होगा बी डैस स्क्वायर नॉट इक्वल टू फोर ए डैस सी डैस, बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो टू इंटू यहां से ध्यान दीजिएगा टू इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर हो गया नॉट इक्वल टू फोर, ए का मान यहां से मैंने पुट कर दिया ए डैस का मान सी डैस का मान यहां से मैंने पुट कर दिया। अब बताइए तो दो का भी स्क्वायर चार हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया दोनों का स्क्वायर हो गया, फिर यहां से फोर इंटू मैंने इसको गुणा कर दिया ए को सी से तो हो गया क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए को डी से तो क्या हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी को सी से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी को डी से तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये चार से चार कट गया, चार से चार कट गया, मैंने इसको होल स्क्वायर तोड़ दिया तो ए स्क्वायर ए पर भी स्क्वायर और सी पर भी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर भी डी स्क्वायर टू ए का वैल्यू ए सी बी का वैल्यू बी डी नॉट इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए ए सी स्क्वायर इधर भी है ए सी स्क्वायर इधर भी है और क्या बी डी स्क्वायर इधर भी है बी डी स्क्वायर इधर भी है, मैंने दोनों को क्या कर दिया कट कर दिया, यहाँ पर क्या बच गया टू इंटू ए सी प्लस बी डी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने सभी को क्या किया आरएचएस में भेज दिया, सभी को क्या किया आरएचएस में भेज दिया तो इधर चला आ गया। अब ध्यान दीजिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी ए डी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखा टू, ध्यान दीजिए ए के स्थान पे है ना तो ए डी यहाँ पर है ना ए है और डी है, मैंने क्या ले लिया ए डी ले लिया इंटू यहाँ पे क्या बी सी है तो मुझे क्या चाहिए बी है और क्या है बी है और सी है, मैंने क्या ले लिया बी सी। तो आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया ए के स्थान पे ए डी और बी के स्थान पे बी सी इसका होल स्क्वायर, जब इस साइड से वर्गमूल निकलेगा तो जीरो का वर्गमूल जीरो तो ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी, मैंने बी सी को आर एच एस में इधर एल एच एस में भेज दिया तो क्या आ गया ए सी इज नॉट इक्वल टू ए डी। आप देखिए मुझे क्या लाना था सिद्ध करना था, मुझे सिद्ध करना था मैंने यहाँ नहीं लिखा यदि ए डी इज नॉट इक्वल टू बी डी, मुझे क्या करना था ए डी इज नॉट इक्वल टू बी डी है ना, तो मैंने क्या कर दिया इसको साबित कर दिया, इस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, ये भी आपका चैप्टर खत्म हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।